आज जो ये बिल लाया गया है सर, मैं इसके विरोध में खड़ा हूं सर। सर, जब से ये सरकार बनी तब से हम देख रहे हैं सर, चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल है, चाहे 370 का मामला आया, चाहे आज जो ये बिल लाया गया, इस बिल का जो लाने का तरीका है सर, इसमें सीधा एक कम्युनिटी जिससे मैं भी आता हूं सर, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है सर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से अब यहां कोई मुसलमान नहीं आएगा सर। इस बिल में जो बात आई सर, हमारे भाई हिंदू, सिख, बौद्ध या बाकी जितने भी हैं सर, उनकी सिटीजनशिप के लिए बहुत अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो साथ में इसमें मुसलमानों को साइड में रखा गया है सर, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से हिंदू यहां नहीं आएंगे सर, क्योंकि मैं उस स्टेट से आता हूं सर जो हमारे पुरखों ने यह समझकर फैसला किया था कि हम इस सेकुलर हिंदुस्तान के साथ जाएंगे बजाय मुस्लिम मेजॉरिटी जो पाकिस्तान था, इसलिए आए थे कि इस सेकुलर मुल्क में हमें बराबर का दर्जा दिया जाएगा। आज जो ये हम सुन रहे हैं सर, आज का जो ये दिन है सर, मुझे आज ये लगता है सर हमारे पुरखों ने गलती की है सर। आज हमें यहां मुसलमान अच्छा नहीं लगता है सर। 370 को इसी हाउस में हटाया गया सर। मुझे बताइए सर, देश की एक रियासत में क्या ऐसा आज तक हुआ है? जितने भी वहां के एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, वो सब जेलों में बंद है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले उस हाउस में या इस हाउस में कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य है। मैं मुबारकबाद देता हूं कि अगर वहां हालात सामान्य हैं, फिर क्या बात है सर, जिन एमएलए ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, हमारा एक एमएलए है इश्फाक जबार, जिसका बाप एमएलए था उसको मिलिटेंटों ने मारा, जहूर मीर जिसका बाप एमएलए था उसको मिलिटेंटों ने मारा, क्या वो देशद्रोही है? वो आज जेल में है। हमारा एक और एमएलए है जिसको 14 साल का बच्चा बीमार है, वो दिल्ली में है मेरे घर पे, वो कह रहा है मेरे बाप ने क्या गलती की है। मैं यहां कहता हूं सर कि आज जो आप कह रहे हैं कि वहां से मुसलमान आएंगे, मुसलमान नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता चला कि इस देश में मुसलमान एक वाहिद रियासत है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो यहां नहीं आएंगे। बस कीजिए, वो कभी नहीं आएंगे सर। आज जो बात हो रही है सर यहां हमारे सरकार को, मैं सर इसलिए कह रहा हूं, बाकी बातें तो तकरीबन हो गई, लेकिन मैं ये जो आज हमें टारगेट हर वक्त किया जा रहा है, यहां ट्रिपल तलाक का बिल आया। अभी वो बात छोड़िए क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया सर, 1-2 मिनट, क्योंकि जब मुसलमानों का विषय होता है थोड़ा सा 1-2 बातें। जब बिल आया सर, आप देखो सर, आज बलात्कार कितनी रियासतों में हुआ, उनके बलात्कारियों को कोई सजा नहीं हो रही है। ये जनरल डिस्कशन, सुनिए सुनिए, एक सेकंड सर, सर मैं एक सेकंड, ये जनरल डिस्कशन नहीं हो रहा है, वो नहीं कह रहा, ये बिल पर हो रहा है। मैं बिल और आपका समय भी खत्म हो चुका है सर, मैं आपका आपका समय खत्म हो चुका है, वही आता हूँ मैं कहता हूँ आपका समय खत्म हो No. सिर्फ आज जब से बनी है, सिर्फ मुसलमान ही के पीछे पड़े हैं। प्लीज कंक्लूड। ट्रिपल तलाक मुसलमान के पीछे पड़े, आज जो बिल लाया गया मुसलमान के पीछे, 370 वही एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, सबको वहीं किसी जगह कोई अगर सर ओके यहाँ महागठबंधन महाराष्ट्र में हुआ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड।